मेरी ननंद और मैं दोनों आ गए हैं पार्लर, और मुझे कोई आइडिया नहीं है मैं हेयर पर क्या करूं। थोड़ा सा मुझे कट करना था और मैं सोच रही थी एक कलर थोड़ा सा हेयर में कर लूं, बट कौन सी कलर ये मैं कंफ्यूज थी। और मैंने फाइनल किया एक रेड वाला, चेरी रेड वाला। इसीलिए ये सारे प्रोसेस सब चल रहा है। पहले हेयर को वॉश किए और उसके बाद ब्लो ड्रायर करके उसमें मेरी हेयर पर कलर लग रहा है, आप देखेंगे। गाइस, आज मैं आई हूँ पार्लर और ये मैंने हेयर कलर किया है। पता नहीं कैसे दिखने वाला है, ये मेरा फर्स्ट टाइम हेयर कलर है। आई होप कि अच्छा दिखे। बस हल्का सा मैंने ही हेयर कलर किया है, ज़्यादा नहीं किया है। देखिए, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो बाद में मैं पूरी हेयर करूँगी। ये मेरा पहला फर्स्ट टाइम है ना, तो मेरी ननंद और मैं आई हूँ। ऐसे ही सडन हमारा प्रोग्राम बना कि हम चलो पार्लर जाते हैं, थोड़ा सा हेयर कलर और हेयर कटिंग थोड़ा सा कर लें। और मैंने कभी हेयर कलरिंग नहीं की है, अभी मेरा फर्स्ट टाइम मैं ऐसे हेयर कलर कर रही हूँ। पता नहीं कैसे दिखने वाला है, आई होप कि अच्छा दिखे। मैंने हल्का थोड़ा सा ही हेयर लेकर किया है, ज़्यादा नहीं किया है। जब मेरा हेयर वॉश हो जाएगा तभी मैं फाइनली रिजल्ट आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग देख सकते हैं मैंने जो हाइलाइटिंग किए थे हेयर पर, एक्चुअल में मैंने जो कलर चूज़ किए थे वही कलर मेरा नहीं हुआ। ये मैं उनको बता रही हूँ, जब मैंने रिजल्ट देखा पता नहीं उन्होंने किस तरीके से किया, मुझे पसंद नहीं आया। तो ये मेरा मैंने जो सोचा था वो कलर नहीं आया, तो इसीलिए मैं थोड़ा अपसेट हुई और उनको बता रही थी कि मुझे ये वाला बुक में जो चेरी रेड है ये वाला रेड मुझे चाहिए था, बट ये मेरे हेयर पर उसी सेम कलर नहीं आया। तो उन्होंने बोला कि आप बैठो, हम लोग फिर से हम उसको स्टेप बाय स्टेप हम कलर करेंगे, आप बैठो। तो हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने मना कर दिया उनको, नहीं मैं फिर कभी आऊँगी। और इसका मेरी ननंद का, रंजिता का हेयर कटिंग अच्छे से हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा था, आप लोग देखेंगे अभी। और सो देखिए फाइनल रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आया, बट मेरा हाइलाइटिंग पहली बार मैं कुछ नया करने चाह रही थी, बट उस तरह से नहीं हुआ।
गाइस, अभी हम दोनों आ गए हैं घर, और आते वक्त बहुत परेशानी हमको हुई। हम आ रहे थे स्कूटी पर, और घर घर से 2-3 किलोमीटर दूर से ही हमारी स्कूटी पंक्चर हो गई, और हम दोनों बहुत ही परेशान हो गए कैसे हम जाए घर। और दोनों बच्चे भी घर पर हैं, और बहुत टाइम हो गया है, 8 बज रहा था, इसीलिए हम क्या करें, वही टाइम पर हमारे कुछ कुछ ही दूर पर हमारे पीसा और पीसी माँ का घर था, और हम दोनों वहाँ पर चल के रोड पर स्कूटी रख कर हम दोनों चल के उनके घर के, और उनको बताए, और उन्होंने हमको घर पर छोड़ने आए, और पीसा ने हम दोनों को घर पर छोड़ने के लिए आए, और अभी हम घर पर पहुँच गए हैं। और थैंक गॉड हमारे दोनों बच्चे अभी खेल रहे हैं बहुत खुशी से, और अभी हम दोनों उनको खिलाएंगे और वो सोएंगे दोनों। और आज बहुत ही परेशानी हुई, और मेरा जो हेयर मैंने जो हाइलाइटिंग डिज़ाइन का करी थी उतना भी अच्छा नहीं रहा, चलेगा, बट मैंने जो कलर मैंने चॉइस किया था वही कलर नहीं हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। आज दिन बहुत ही खराब था, क्या करें।